एशियन गेम्स 2022 स्थगित, सितंबर में चीन में होना था इवेंट। कोविड से मौतों पर डब्ल्यूएचओ के दावे पर बोले संबित पात्रा, कहा अपुष्ट स्रोत से लिया गया डाटा। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,545 नए केस मिले। अजान के लिए मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं, विवादों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। यूपी में गंगा की सहायक नदियों के तट पर भी होगी आरती। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में जीत के बाद सीएम योगी का अयोध्या का ये दूसरा दौरा है। मुख्यमंत्री यहाँ 22 घंटे तक रहेंगे। वहीं अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले सीएम योगी रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने पहुंचे। फिर उन्होंने आयुक्त सभागार में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में बेगमपुरा स्थित दलित मनी राम के घर दोपहर 2:30 बजे भोजन भी करेंगे। वहीं शाम 5 बजे सीएम योगी सर्किट हाउस में संतों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ सीएम योगी क्षत्रिय समाज की ओर से गुप्तार घाट पर स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा का शाम 4 बजे अनावरण भी करेंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, 3 तस्वीरें सामने आई हैं अयोध्या से, जहां अयोध्या पहुंचने की पहली तस्वीर है, उसके बाद हनुमानगढ़ी पहुंचने की दूसरी तस्वीर है, और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने की और रामलला में दर्शन पूजन करने की ये तीसरी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो सीएम योगी अपना दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद दूसरी बार अयोध्या पहुंचे हैं, और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आज सीएम योगी अयोध्या दौरे पर हैं, 22 घंटे के लिए दौरे पर रहने की बात बताई गई, लेकिन 22 घंटे से कम ही रहेंगे, और क्या कुछ कार्यक्रम है? हनुमानगढ़ी में दर्शन कर लिया, रामलला के दर्शन कर लिए, अब आगे के कार्यक्रम के बारे में जानकारी चाहेंगे। देखिए शिखा, बता दें आपको कि ये इनका हेलीकॉप्टर सबसे पहले रामकथा पार्क पहुंचा, उसके बाद ये हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन किए, रामलला का दर्शन पूजन किए, और उस अब जो है वो रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद जो है वहाँ के अधिकारियों और पदाधिकारियों के, ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ में एक बात कर रहे हैं, वहाँ के काम कार्यों के बारे में वो जायजा ले रहे हैं। जायजा लेने के बाद ये पहुँचेंगे सर्किट हाउस, जो कि सर्किट हाउस पहुँचने के बाद ये साधु संतों से वहाँ पे मुलाकात करेंगे। साधु संतों से मुलाकात करने के बाद ये इनकी एक मंडलीय समीक्षा बैठक होगी, जिसमें मंडल के सारे अधिकारी रहेंगे, मंडल के जो प्रभारी मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं एके शर्मा, वो मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो मंडलीय समीक्षा बैठक में ये अयोध्या के मंडलों के विकास कार्यों का खाका तैयार किया जाएगा कि किस तरीके पूरे मंडल का विकास हो, और सबसे बड़ी बात अगर की जाएगी तो अयोध्या में कितने विकास कैसे होगा, किस तरीके का विकास होगा। और अगर दूसरी बात करें तो गुप्तार घाट की बात की जाएगी, तो गुप्तार घाट पे ये महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे। यहाँ से जाने के बाद अब जो है रामलला का दर्शन करने के बाद ये वहाँ गुप्तार घाट पहुंचेंगे, जो कि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे। जी राघवेंद्र, बेगमपुरा स्थित दलित मनी राम के घर पर 2:30 बजे भोजन भी करेंगे, क्या पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए अभी प्रस्तावित कार्यक्रम जो इनका है कि वो एक उसके घर पे, वाल्मीकि के घर पे जो है वो भोजन करेंगे, दोपहर का भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद जो है ये मूर्ति अनावरण का काम करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राघवेंद्र जुड़े थे अयोध्या से।
गोरखपुर पहुंचे गोरखपुर के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने सांसद विधायक के साथ बैठक करने के बाद दो अन्य मंत्रियों के साथ रोडवेज बस स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बसों से लेकर टिकट घर तक का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मैंने यहाँ पर सभी जगह का निरीक्षण किया है और टिकट घर सभी जगह अच्छी व्यवस्था है, साथ ही टिकट घर पर टिकट भी मिल रही है। यहाँ रोडवेज बस स्टैंड पर ये देखने आए हैं कि जनता की सुविधा के लिए जो बसें संचालित हैं ठीक से चल रही हैं, उनका रखरखाव ठीक है, आने जाने की व्यवस्था ठीक है, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था ठीक है और टिकट वगैरह ठीक से मिल रहे हैं। हमने पूछताछ पे भी जानकारी की है, बसों का संचालन लाउड स्पीकर से करा जाता है, उसको भी चेक। खबर संभल से है जहां समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग राज्य मंत्री संजीव कुमार दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनपद का हाल जानने के लिए कई जगह का निरीक्षण किया जिसमें जिला अस्पताल और गौशाला शामिल है और खुले में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया। लेकिन इस दौरान उन्होंने साफ सफाई को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। हमीरपुर जिले के महिला अस्पताल में एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है जिसमें लेबर रूम में दो डॉक्टरों के बीच विवाद हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वायरल वीडियो में लेबर रूम में डिलीवरी कराने आई तीन महिलाएं बेपर्दा डिलीवरी के लिए लेटी हैं। लेबर रूम का ये वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। जिम्मेदार अधिकारी वीडियो वायरल होने की जांच करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दो डॉक्टरों की लेबर रूम में कहासुनी रही थी। कहासुनी के दौरान ये वीडियो बनाया गया है, जिसके बाद डॉक्टर अंशु मिश्रा ने कोतवाली में तहरीर देकर लेबर रूम में जांच के दौरान डॉक्टर आशा सचान द्वारा अभद्रता कराने का आरोप लगाया है। एक बहुत ही खेदजनक घटना जो वायरल वीडियो हुआ है, बहुत ही खेदजनक है, जिसकी जांच के लिए मैं आया हूं। उसके बयान दर्ज कर लिए गए हैं और संबंधित साक्ष्य भी जुटा लिए गए हैं। अब इसके बारे में इनका अच्छे से अध्ययन करके और मैं इसकी आख्या महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को आज। मुख्यमंत्री के आदेशों को कानपुर विकास प्राधिकरण खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं और अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके भू माफिया अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। पूरा मामला बर्रा के जरौली गांव का है, जहां ग्राम समाज की जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा है और सरकार के आदेशों के बावजूद ग्राम समाज की 16 बीघा जमीन केवल कागजों में ही है, जो की कब्जा मुक्त कराई गई है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्री और जो जिला प्रशासन है उसके विभागों को आदेश दिया था कि किसी तरीके से झुग्गी झोपड़ी जो है वो नहीं गिराई जाएंगे। आज पता चले जो आज बर्रा में जो भी जरौली गांव के पास जो ध्वस्तीकरण किया गया है उसमें केवल झुग्गी झोपड़ी से ध्वस्तीकरण किया गया है और इसी के जस्ट बगल में 100 मीटर दूरी पर जो पक्के अवैध मकान जो बने हैं, जिसमें 16 बीघा ग्राम समाज जमीन पर जो बने हुए हैं वो भी पूरे अवैध बने हुए हैं। क्यों आखिर क्यों नहीं गिराए गए ये ध्वस्तीकरण, इन पक्के प्लाटों के नहीं गिराए गए हैं? या तो फिर सवाल ये उठता है कि जो भूमाफिया हैं उनके कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से साठगांठ बनी हुई है या फिर कुछ और खेल है इसमें, या तो फिर मुख्यमंत्री को केवल कानपुर से जो है केवल कागजी कार्रवाई दिखाया जाएगा कि ध्वस्तीकरण हुआ है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बहुत शर्मनाक बात है कि जो विभाग है कानपुर विकास प्राधिकरण ये जो है ध्वस्तीकरण के नाम पे काला खेल खेल रहा है। कैमरा पर्सन सागर चौधरी के साथ उपेंद्र अस्थाना, कानपुर। सूबे के मुख्यमंत्री हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता उपेंद्र जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या है पूरा मामला? आज पता चला ये जो मामला है ये बर्रा के जो जरौली गांव क्षेत्र का स्थित है, यहाँ पे जहाँ पे कानपुर विकास परिधि द्वारा जो ध्वस्तीकरण किया गया था वो ध्वस्तीकरण जो है
वो जो झुग्गी झोपड़ी में किया गया है ना, जो जो दृष्टिकरण करना था वो 16 बीघा जो जो ग्राम समाज की जमीन थी ये उस पर करना था, ताकि विभाग ने उस पर नहीं केवल ये झुग्गी झोपड़ी जो है इस पर दृष्टिकरण करके दृष्टिकरण के बाद विभाग वो चला गया वापस। जी बिल्कुल, अब इस मामले में आगे क्या कुछ कार्यवाही हो सकती है उपेंद्र? जी खबर खबर के अनुसार जो खबर आज व्हाट्सएप के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा जब आज वायरल हुई है ये खबर, तो उसमें जिला प्रशासन डीएम ने है इस पर दोबारा फिर जांच के आदेश दिए हैं, और जो 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 निर्माणाधीन वहाँ बने हुए हैं 16 बीघा जमीन पे जो बना हुआ है प्लाटिंग कटी हुई है इसको जो दृष्टिकरण के लिए 3 से 4 दिन का जो टाइम दिया गया अभी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे कानपुर से संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़े थे। गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद है, लगातार लूट और चोरी की घटनाओं को बदमाश यहां अंजाम दे रहे हैं और पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। मामला गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र का है, जहां बीती देर रात गुप्ता मार्केट में दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरों ने यहां पास की 2 अन्य दुकानों के ताले भी तोड़ने का प्रयास किया। बता दें बदमाश एक कॉस्मेटिक सामान की दुकान में रखे 22,000 नकदी और एक इन्वर्टर चोरी कर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने घटना की शिकायत स्थानीय पुलिस से की। मेरे को सुबह किसी का फोन आया, कह लगा मैं तेरी दुकान के भैया ताले टूटे हुए हैं, शटर उठा हुआ है। मैं अपनी दुकान पर आया भग के अपने घर से, मैंने यहाँ का देखा तो मेरा शटर उठा हुआ है पूरा, और मैंने अंदर दुकान में झांक कर देखा तो मेरा इन्वर्टर और मेरा गल्ला, जिस गल्ले में मैं रात 22,000 रुपये रखा गया हूँ सुबह दुकान की सेलमैन को देने के लिए, क्योंकि ईद का सीजन था, इसलिए मैं पैसे मैंने के घर पे क्या लेके जाऊँ सेलमैनों को मेरे को बांटने, इसलिए मैं सेलमैन के देने के लिए ही 22,000 रुपये मैं अपने गले में रखा। जिले में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश में पलिया कोतवाली प्रभारी सैयद अहमद अब्बास अपनी टीम के साथ मिलकर मेला सिंह चौराहे पर पहुंचे और साइबर अपराध से बचाव के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जनता को बताते हुए जागरूक किया। खबर मथुरा से है, जहां थाना गोविंद नगर क्षेत्र में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। महिला की बहन ने आरोप लगाया है कि महिला के पति ने कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही आरोपी की तलाश में जुट गई है। थाना गोविंद नगर के शिवनगर कॉलोनी में आज रात एक 32 साल की युवती की हत्या हुई है, जिसको कुल्हाड़ी से मारा गया है। जो जानकारी प्राप्त हुई है अब तक, वो इसके हिसाब से इनका जो पति है वो पिछले 1.5 साल से यहाँ पे किराए पे दोनों रह रहे थे, और रात 12 बजे तक इनका पति मौजूद था, उसके बाद पति मिस है। जिन लोगों का परिवारिकजनों का, इनकी बहन भी साथ में बगल रहती है दूसरे कमरे में, उसका कहना है कि उसके पति ने ही मारा है। तारीख इन लोगों द्वारा दी जा रही है, मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त को जल्दी। सीतापुर में जिलाधिकारी अनुज सिंह के मिश्रिक तहसील के औचक निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने तहसील के सभी कक्षों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को काम समय से पूरा करने के निर्देश दिए, जिसके बाद जिलाधिकारी ने महर्षि ददीची कुंड में परिक्रमा करते हुए साफ सफाई का जायजा लिया और फिर मंदिर में दर्शन पूजन किया। अधिकारियों को क्या निर्देश दिए? कि आज यहाँ पे हम मिश्रिक तहसील में इंस्पेक्शन के लिए आए थे, यहाँ पे न्यायालयों का इंस्पेक्शन किया, वसूली की इंस्पेक्शन की, जनरल साफ सफाई इत्यादि बाकी जो चीजें उनका भी मैंने आज यहाँ पे इंस्पेक्शन किया। कुछ कोर्ट वर्क में यहाँ पे तेजी लाने के मैंने निर्देश दिए हैं, यहाँ पे थोड़ी पेंडेंसी है उसको ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पे निर्देश दिए हैं। तहसील में और व्यवस्थाएं बेहतर करने, पानी पीने की व्यवस्था, लोगों के बैठने की व्यवस्था, बाकी जो अंदर जो फर्नीचर इत्यादि हैं और बाकी जो खिड़की कुर्सियां हैं, इन सबको भी ठीक करने के लिए कहा गया है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि तीर्थ की जो समस्याएं हैं उनका निवारण किया जाएगा। जो इसका मुख्य समस्या है वो जल निकासी की है। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर समय से पूर्व यहाँ कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा,
इसकी जल निकासी का मुख्य कारण है, उसे बहुत जल्दी यहाँ जो है सुधार रूप में देखा जा सकता है और इसका जल निकासी किया जाएगा। जो तीर्थ पे निकास हैं उनकी सबकी लेखपाल के द्वारा जांच कराई जाएगी कि इनका निकास तीर्थ पे है या नहीं है, कि अवैध तरीके से उन्होंने निर्माण कर रखे हैं। तीर्थ के ऊपर जो निकास है उनको तुरंत गेट लगाने के लिए कहा गया है ईओ साहब से, और तीर्थ के ऊपर जो लोगों ने गैरेज बना रखे हैं उन गैरेजों को हटाने के लिए। लखीमपुर खीरी के कोतवाली भीरा क्षेत्र के गांव नौगवा के पास नहर की झाड़ियों में एक शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इस पूरे मामले की सूचना पर पहुंचे बेजुआ चौकी प्रभारी मनीष पाठक ने शव को नहर से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि शव की शिनाख्त करते हुए पुलिस ने परिजनों को इस मामले की जानकारी दे दी है। और परिजनों का कहना है कि बीती अप्रैल से मृतक लापता था और मृतक की तलाश के लिए परिजनों ने भीरा कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने गुमशुदा सुमित को ढूंढने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।